नमस्कार। हमारा टॉपिक चल रहा था वर्ग, उसी के अंदर हम एक बात करते हैं चक्रीय चतुर्भुज की बात करते हैं। चक्रीय चतुर्भुज, अभी चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? नाम से मानो चक्र, चक्र किसमें होता है? वर्ग की बात ही होगी, टॉपिक हमारा यही है कि वर्ग। अभी चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है कि हम जानते हैं चतुर्भुज के चार शेष होते हैं। अगर चतुर्भुज के चारों शेष वर्ग की परिधि पर हो, अगर मान लो कि वर्ग के चतुर्भुज के चारों शेष क्या हो, वर्ग की परिधि पर हो, वो होता है हमारा चक्रीय चतुर्भुज। अब देखो चक्रीय चतुर्भुज में एक खास बात होती है कि उसके समूह कोणों का योग, उसके समूह कोणों का योग वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। वही चीज हम यहां सिद्ध करने जा रहे हैं। क्या करना है कि सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, संपूरक होता है हम कह सकते हैं 180 डिग्री होता है, ये सिद्ध करके दिखाना है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, चक्रीय चतुर्भुज लेना पड़ेगा। वही काम मैंने यहां पे ले लिया एक वर्ग, और वर्ग पे ले रहा हूं एक चक्रीय चतुर्भुज ले लेता हूं। ये हो गया हमारा एक चक्रीय चतुर्भुज, ये हो गया हमारा, इसके पास क्या हो गया केंद्र, इसको नाम दे दिया मैंने ओ, यहां नाम दिया ए बी सी और डी दे दिया। अब उसके बाद हमें पहले दिया दिया है। अब दिया क्या है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। फिर सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि समूह कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इसे ए के सामने कोण है सी, मतलब कोण ए प्लस कोण सी बराबर क्या होगा 180 डिग्री, और ये कोण बी प्लस कोण डी का मान भी क्या होगा 180 डिग्री होगा। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। फिर देखो रचना, रचना में क्या किया, केंद्र केंद्र ओ को बी में बी से मिलाया, मैंने क्या किया एक इसको दूसरा इसको। अब वही काम मैंने क्या कि इस वाले कोण को नाम दिया एक और इस वाले को दे दिया नाम मैंने दो दे दिया। अब करते हैं उपय पद। अब देखो ध्यान से कि कोण ए बी ए डी बराबर क्या होगा, कोण बी ए डी इसका मान क्या होगा। अब देखो चाप कौन सा है, ये वाला बी डी, इसी चाप द्वारा परिधि पर बन रहा है कोण कौन सा बी ए डी, और इसी चाप द्वारा बी ओ डी बन रहा है केंद्र को बन रहा है। इसका मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी चाप द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण परिधि पे अंतरित कोण का दुगना होता है, मतलब परिधि पर अंतरित होने वाला कोण क्या होता है, केंद्र पे अंतरित कोण का आधा होता है। तो कांट कह देंगे देखो कोण एक बटा में क्या हो जाएगा उसका आधा होता है, सही है। जहां लिखना चाहो नाम लिख सकते हो, आंसर है नहीं है। फिर देखो इसको नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर एक, कांट लिख देते हैं, लिख देंगे वर्त में एक ही चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर अंतरित कोण का दुगना होता है। फिर देखिए इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि कोण बी सी डी बराबर क्या होगा, कोण दो का आधा,
काम आप बता दिया आपको इसी प्रकार के दिनों में सेम का सेम एक काम आपको यहां पे लिखना है। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर दो दे दिया। आप देखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट प्लस ए सेकंड तो क्या हुआ कॉन बी ए डी प्लस कॉन बी सी डी बराबर क्या होगा आपके पास कॉन एक बटा में दो प्लस कॉन दो बटा में दो। इस तरफ देखो ये बी ए सी ये तो है कॉन ए जो हमने ऊपर लिखा था वो मान लेते हैं ना इसको बी सी डी क्या कॉन सी है बराबर। अब देखो दो तो नीचे है कॉन एक प्लस क्या हो गया कॉन दो हो गया कॉन एक प्लस कॉन दो का मान क्या होगा। अब देखो कोण एक और दो को मिलाते हैं पूरा कितना बनता है एक चक्कर बन रहा है एक चक्कर मतलब क्या होगा कोण कितना होता है 360 डिग्री यानी कि एक बिंदु पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो आप देख सकते हो 360 बटा में दो काउंट करेंगे एक बिंदु पर बने कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसलिए कोण ए प्लस कोण सी कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। अब देखो इन दोनों का 180 हुआ इसका और एक इसका लेकिन चार और कितना होता है 360 ये भी अपने आप क्या हो गया 180 हो गया। जा फिर आप क्या करते हैं इसको और इसको मिलाते हैं वापिस वही सेम सिस्टम लगाते हैं आपने वापिस आया था हमारे पास तो हम लिख सकते हैं इसी प्रकार कि कोण बी और कोण डी का मान कितना आएगा 180 डिग्री यही हमें सिद्ध करना था। अब देखें सवाल जिसे आपको दे दिया एक परिपथ एरिया की एक वर्त है यहां एक दिया हुआ है त्रिभुज इसका नाम दिया हुआ है ए बी और सी फिर इसका केंद्र आपको दिया हुआ है ओ परिकेंद्र क्या दिया हुआ है इसका ओ दिया हुआ है। फिर क्या हुआ कि आप वो कह रहे हैं कि सिद्ध करके दिखाओ क्या सिद्ध के साथ में दिया है वो लिखते हैं दिया है ठीक है त्रिभुज ए बी सी का परिकेंद्र क्या होगा ओ है इतना आपको दिया हुआ है। फिर उसके बाद सिद्ध करना है एक सवाल है देखो सिद्ध क्या करना है कि वो कह रहे कि ओ बी सी एक तो ये वाला कोण ओ बी सी और दूसरा ये वाला कोण बी ए सी कौन कौन से कोण कोण बी ए सी प्लस कोण ओ बी सी बराबर क्या होगा 90 डिग्री होगा ये सिद्ध करके दिखाना है। अब उसके बाद रचना की जरूरत नहीं है आप चाहो तो मिला देना ओ को सी से मिला देना लेकिन चलो रचना ओ को सी से मिला है ओ को सी से मिला है। अब करते हैं इसकी ऊपर आप देखो ध्यान से कि त्रिभुज बी ओ सी में ओ बी बराबर है ओ बी बराबर क्या है ओ सी है क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है कारण की देखोगे एक ही वृत्त की त्रिज्या सही है। अब ये मान लो कि भुजाएं बराबर है समकोण भी क्या होंगे बराबर तो आप कह सकते हो कि इसलिए कोण ओ बी सी बराबर क्या होगा कोण ओ सी बी कारण क्या होंगे त्रिभुज में समान भुजाओं के समूह कोण समान होते हैं हमने साइन क्या लिख दिया साइन किया। अब उसके बाद देखो ये कोण हमारे पास क्या होगा इसके बराबर हो गया। अब उसके बाद चलते हैं आप लिखना चाहेंगे कि कोण ए जान सकते हो बी
ओ सी बराबर क्या होगा, इसको नाम दिया क्वेश्चन नंबर ए, बी ओ सी बराबर क्या होगा, दो कोण बी ए सी होगा, सही है, क्योंकि हम जानते हैं चाप कौन सा बी सी, इसी चाप द्वारा कोण अंतरित हो रहा है केंद्र पर ये वाला, और इसी चाप द्वारा कोण अंतरित हो रहा है वृद्धि पर ये वाला, तो ये वाला कोण क्या होगा, इसका क्या होगा, दोगुना होगा, कारण क्या लिखोगे, एक ही चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृद्धि पर अंतरित कोण का दुगुना होता, तो ये हमारा हो गया प्रश्न नंबर दो। अब बात करते हैं त्रिभुज बीओसी में, बीओसी में देखो क्या कि कोण बीओसी प्लस कोण ओबीसी प्लस कोण ओसीबी बराबर क्या होगा, 180 डिग्री, कारण क्या होंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, सही है ना, तीनों कोण ले लिए, ये वाला भी ले लिया, ये वाला भी ले लिया, साथ में ये वाला भी ले लिया। अब देखो इसके बराबर हम क्या ले सकते हैं, हम क्यों सीओ सीधे लगाना चाहते हैं, उसमें कौन आ रहा है, बी ए सी आ रहा है, बी ए सी कहां से प्राप्त होगा, चलो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर दो का यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर दो से मैंने क्या किया, इसके लिए दिया दो कोण बी ए सी लिख दिया, और यहां से क्या हुआ, कोण बी सी ओ बी सी, अब ये किसके बराबर होगा, इक्वेशन नंबर एक से, ये भी हमें चाहिए ना, ये नहीं चाहिए, तो इसके लिए मैंने क्या लिख दिया, ओ बी सी लिख दिया, क्यों हमें ये चाहिए थी ना, कि हमें ये चाहिए था, इसको चेंज किया ना, कि इसको चेंज किया, क्यों ये तो हमें चाहिए, ये नहीं चाहिए इसलिए चेंज किया, ये नहीं चाहिए इसलिए इसको चेंज किया, बराबर क्या 180 डिग्री लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये हुआ दो कोण बी ए सी प्लस ये भी क्या हुआ, दो कोण ओ बी सी बराबर में 180 डिग्री, आप क्या करो पूरी समीकरण में दो बार भाग दे दो, दो कॉमन आ गए, दो कोण आने के बाद क्या हुआ, बी ए सी प्लस कोण ओ बी सी बराबर क्या है, 180 डिग्री, तो कोण बी ए सी प्लस कोण ओ बी सी बराबर क्या हुआ, 180 बटा में दो गया, तो कोण बी ए सी प्लस ओ बी सी बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री, और यही हमें सिद्ध करना था। अब देखिए इसी का पता है, सवाल और देख लो, उससे पहले चीज देखे, व्यास द्वारा वृद्धि पर अंतरित कोण की बात करते हैं, व्यास द्वारा जिसे मान लो आपको ये दिया हुआ एक वृत्त है, ये क्या दवा, ये मान लो इसका व्यास है, नाम दिया इसको ए और बी, इस व्यास द्वारा वृद्धि पर अंतरित कोण क्या होगा, जैसे मान लो ये बार हो गया इसका कोण ऐसे, खूब सारे बनेंगे मान लो, तो इन सारे कोणों का मान क्या होता है, सेम होता है, वो क्या होता है, देखो आप अब ये चाप की बात कर रहा हूं, कौन चाप, ए बी की बात कर रहा हूं, ये ए बी केंद्र ओ पर बना रहा है कोण, कितना बना रहा है, 180, और ये चाप पृथ्वी पे कोण बना रहा है, ये बना, तो हम जानते हैं किसी एक ही चाप द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण पृथ्वी पे अंतरित कोण का दुगना होता है, जाकर हम कह सकते हैं किसी चाप द्वारा पृथ्वी पर अंतरित कोण केंद्र पे अंतरित कोण का आधा होता है, मतलब ये 180 डिग्री, तो ये क्या होगा अपने आप में 90 डिग्री, सारे क्या होने वाले हैं 90 डिग्री, जाकर आप कह सकते हो अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, मतलब ये कोण बनेगा अपने आप क्या होगा, वो 90 डिग्री का होगा, ये एक समकोण त्रिभुज बनाता है, जैसे आपको सवाल दे दिए से यू जी, आपको व्यास दिया नाम दिया ए और बी,
और यहां ले लिया उसने सी, यहां ले लिया उसने डी, और यहां ले लिया उसने ई दे। ठीक है, ऐसे किया हुआ और उसके बाद किया सभी को मिलाया हुआ। और हमसे कह सकता है कि कौन इसका और इसका योग ज्ञात कीजिए, इसका और इसका योग ज्ञात कीजिए। देखिए मान ही दिया कि सवाल पर है कि कौन ही और कौन इसी का योग कितना आएगा। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कि कौन ए ई डी प्लस कौन बी सी डी बराबर क्या है, ये हमें ज्ञात करके दिखाना है। देखने में मालूम चलेगा बहुत ज्यादा फिर लगता है। आप क्या करो, बी को मिला दो ई से, बी को मिलाया ई से, बी को ई से मिलाया, फिर देखो आप ध्यान से यहां बी ई समझते बी सी डी ई, ए क्या होगा चक्रीय चतुर्भुज है, सही है, क्योंकि इसके एक चतुर्भुज लिखा है ए बी सी डी ई। अब ये ध्यान से कि ये क्या बन गया, एक चक्रीय चतुर्भुज, क्योंकि चारों शीर्ष क्या है वर्ग की वृद्धि वाले स्थित है। अब वर्ग की वृद्धि में स्थित है इसलिए क्या इसके समूह कोणों का योग क्या होगा 180 डिग्री। हमें कौन कौन सी कोण चाहिए, एक तो ये चाहिए, दूसरा कौन सा चाहिए, पूरा चाहिए, लेकिन यहां आधा ही दे रहे हैं, तो आधे की बात कर लेते हैं। इसलिए क्या हो गया कि कौन कौन सा बी ई डी प्लस कौन बी सी डी बराबर क्या होगा 180 डिग्री। कारण क्या लिखोगे कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। अब ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर एक। अब बात करते हैं कोण ए ई बी बराबर मैं लिख रहा हूं 90 डिग्री, कौन सा कोण बी ए ई बी ये वाली बात करेंगे। ये तो क्या है व्यास और ये क्या वृद्धि बनाते थे कोण, यानी कि अभी मैंने बताया था व्यास द्वारा वृद्धि परिवर्तन कोण क्या होता है समकोण होता है। आप लिख सकते हो अर्धवृत्त में या सब लिखो व्यास द्वारा, व्यास द्वारा वृद्धि पर बना कोण क्या होता है समकोण होता है, समकोण होता है। ठीक है, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर दो। अब कौन एक इक्वेशन एक प्लस है दो से बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, तो जोड़ूंगा तो क्या आएगा कौन ए ई बी प्लस कौन बी ई डी प्लस कौन बी सी डी बराबर क्या आएगा आपके पास 90 प्लस 180। लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड जुड़ती है, आर एस साइड आर एस साइड जुड़ती है। अब इन दोनों को जोड़ो, क्या नाम है ए ई बी दूसरा बी ई डी, जब इन दोनों को जोड़ा तो क्या बना मेरे पास पूरे वाला बन गया। इस जगह लिख सकता हूं कौन ए ई डी और कौन बी सी डी बराबर कितना हो गया 270 डिग्री हो गया, ये तो हमें याद करना था। अब देखो जैसे इसी प्रकार का सवाल अभी जो हमने किया ऐसे हमें ये दिया हुआ है ऐसे कि यूं करके इसको नाम दे दिया ए ए और इसको नाम दे दिया बी, फिर आपको कहा हुआ ऐसे यहां नाम दे दिया इसको सी और यहां दे दिया आपको नाम इसका डी, इसका मान आपको दिया हुआ 130 डिग्री, फिर उसके बाद यहां से एक रेखा खींची हुई ऐसे इसको नाम दे दिया ई, और हमें कहा है कि बी ई और बी सी ये दोनों जीवाएं क्या है समान है, बी ई और बी सी क्या है दोनों जीवाएं क्या है समान है। तो कह रहा है कि आप सिर्फ करके मान ज्ञात करना है इसका सी बी ई का मान ज्ञात करना, आपको सी बी ई का मान ज्ञात करना है आपको। अब जो सवाल में कहीं ऐसा लगता है कि पूरा नहीं, फिर भी देखो करने का तरीका कैसे करते हैं, इस परेशानी से कर सकते हैं हम। हम मैं बात कर रहा हूं त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज
बी सी ई में, त्रिभुज बी सी ई में। छोटा सवाल है ये भाई, जो एनपीसी से पूछो है, हम मार पूछे इसमें बता रहा हूं, नहीं लिखा है, डी एफ मांगेगा। त्रिभुज बी सी ई में आपको दिया हुआ है कि बी सी बराबर क्या है, बी ई है। बी सी बराबर क्या है, बी ई है, ये आपको दिया है, हमें मान इसका ज्ञात करना है, ये आपको बराबर दी हुई थी। अब ये देखो, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, जब ये दोनों बराबर हैं तो सामने वाले कोण भी क्या होंगे, ये कोण और ये कोण, यानी कि कोण एक नंबर और दो नंबर कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए कोण एक बराबर क्या हो जाएगा, कोण है दो हो जाएगा। कार्ड क्या लिखोगे, त्रिभुज में समान भुजाओं के समूह कोण समान समान होते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया। अब कोण एक बराबर क्या होगा, कोण दो हो गया, अब इसको छोड़ दो, इसको नाम दिया किस नंबर एक दिया। अब देखो ध्यान से कि कोण ए बी सी प्लस कोण, इसको नाम देते हैं आप, दिया था ओ, कोण ओ बी सी बराबर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। मैं बात कर रहा हूं इस वाले कोण की और इसकी बात कर रहा हूं, ए बी सी डी, ए क्या है, चक्रीय चतुर्भुज, ये चक्रीय चतुर्भुज के क्या है, समूह कोण है। कारण क्या लिखोगे, चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब इसका मान तो आपको दिया हुआ है कितना, 130 डिग्री, तो कोण ओबीसी बराबर क्या हुआ, 180, तो इसलिए क्या हुआ आपके पास, कोण ओबीसी बराबर क्या आ गया, 50 डिग्री आ जाएगा। हमारे पास क्या आया, इसका मान क्या आया, 50 डिग्री आया। इसके एक तरीके नहीं, कई तरीकों से आप कर सकते हो। देखो एक त्रिभुज, आप देखो त्रिभुज बात कर रहा हूं मैं, बी ओ सी, वह त्रिभुज बी ओ ई में आपको दिया हुआ है कि बी सी बराबर किसके, बी ई के, ये तो आपको दिया है। और क्या दिया, ओ बी बराबर क्या है, ओ बी, ये क्या है, उभयनिष्ठ। और कोण ए बराबर है कोण दो, ये बाएं इक्वेशन कौन सा, फर्स्ट, इसको नाम दिया मैंने तो बाएं इक्वेशन है फर्स्ट। अब इस त्रिभुज की क्या होना, दो भुजाएं और एक कोण क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। इसलिए क्या हुआ कि त्रिभुज बीओसी बराबर समान समूह हो जाएगा त्रिभुज कौन से, बीओई के, कौन से नियम से, एसएएस नियम से। एसएएस नियम से क्या हुआ, ये त्रिभुज क्या हो गया, इस वाले का क्या हो गया, समान समूह। इसलिए कोण ओबीसी बराबर हो जाएगा कोण ओ बी ई के। कारण क्या लिखोगे, सीपी सी लिख लो या फिर कह सकते हो समान सम त्रिभुजों के संगत कोण, यानी कि ये वाला त्रिभुज के समान सम हो गया तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया। इसलिए कोण ओ बी सी का मान कितना आपके पास है, 50, इसका मान भी क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो क्या ले सकते हैं, ओ बी ई बराबर क्या हो गया, 50 बाय इक्वेशन सेट, बाय इक्वेशन सेट। अब इसका मान ज्ञात करना है तो क्या आ जाएगा, कोण किसका मान ज्ञात करना था हमें स्टार्टिंग में, इस वाले मान का, यानी कि सी बी ई का मान, सी बी ई का मान बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, 50 प्लस है 50, यानी कितना आ जाएगा आपके पास है, 100 डिग्री आ जाएगा, सही ना। तो इन दोनों को मिलाने से क्या बनेगा, ये वाला कोण बनेगा। ये ऑप्शन टाइप में एक सवाल ठीक था, इसलिए मैंने आपको करवा दिया। अब देखो सवाल ऐसा भी हो सकता है, जैसे आप कह दें कि चक्रीय चतुर्भुज में उसका एक कोण दूसरे कोण, यानी समूह कोण था उसके, कह दिए कि चक्रीय चतुर्भुज है, जैसे चक्रीय चतुर्भुज हो गया हमारे पास ऐसे, क्यों
आप मानते हो कि ये ए और ए बी, और इसको नाम देते हैं सी, इसको नाम दिया बी, इसको नाम दिया डी। हमारे में इन दोनों का कितना होगा 180 डिग्री होगा। वैसे क्या होगा बी और डी का मान भी क्या होगा 180 डिग्री होगा। हमें कहते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में ए कोण किस मुख कोण का कितना भाग है, मतलब जिस तरीके कि दूसरे का 2/7 भाग है। कह दिया कि ये वाला कोण इस कोण का क्या है 2/7 भाग है, तो कहते कि इन दोनों कोणों का मान ज्ञात है किसी। तो देखो यानी कि इसने कहा कि इसका मान क्या है, इसका 2/7 है। हमें ना ये पता ना ये हमें ये पता है। करने का तरीका कैसे होगा, देखो आप कि पहले देखो कि ये वाला क्या है, इसका 2/7 है। हम कहें ना ये पता है तो इसका मान, इसका पता होता उसके बाद ये मालूम चलता है ना, ठीक तो है ना। हमने मान लिया कि इसका क्या है 2/, इसको मान लेते हैं एक्स, जब भी इसको मान लो एक्स, आपने क्या कि इसको मान लिया x, तो इसका मान क्या हो जाएगा 2/7 x हो जाएगा। क्योंकि उसने कहा कि पहले वाला क्या है यानी कि उसके सम्मुख वाले कोण का क्या है 2/7 था, उसका 2/7 है, मतलब ये मालूम हुआ तो ये मालूम हुआ। हमें इसका तो मालूम था नहीं, इसलिए मैंने इसको क्या मान लिया x। पहले क्या देखोगे माना, दूसरा कोण क्या है x डिग्री है ना, तो पहला पहला क्या हो जाएगा 2/7 x है, सही है। लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोण सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब एक तो क्या हमारे पास x है और दूसरा क्या है 2/7 x है, बराबर में 180 आ गया, ठीक है। इसका मतलब है कि 7 आएगा, यहां हो गया 7x और ये हो गया 2x, बराबर में 180, ये कितना हो गया हमारे पास 9x, ये 7 उतर आएगा ऊपर चला जाएगा 9, तो x बराबर क्या आएगा 180 गुणा में 7/9, कांटा कितना है यहां पे 20 है, तो x बराबर क्या आया 140, ये तो हो गया 140। आप दूसरा चाहे तो किस तरीके से निकाल लो 2/7 भाग करके, वैसे भी जानते दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री, एक जब 140 आया तो दूसरा क्या आ जाएगा अपने आप ही 40 आ जाएगा। इस प्रकार का सवाल आ सकता है। चलो लास्ट सवाल करते हैं इसको, अच्छा सवाल है, सुनने में अच्छा लगेगा वैसे। आपको कहते हैं कि एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसे मान लो आपके पास है एक चक्रीय चतुर्भुज है, नाम दिया इसको ए बी सी और ए। अब वो कह रहे हैं कि इन चक्रीय के चारों कोणों का समद्विबाहु भाजक के लिए अंदर समान इसका मैंने अंदर खींचा ऐसे, इसका अंदर खींचा मैंने ऐसे, और इसका अंदर खींचा मैंने ऐसे, इसका अंदर खींचा मैंने ऐसे। अब वो कह रहे हैं कि अर्धक यहां पे काटेंगे वो ये चतुर्भुज बनेगा। अब ये चतुर्भुज जो बन रहा है मान लो इसको पी क्यू आर एस, ये भी क्या होता है चक्रीय चतुर्भुज होता है। ये तो एबीसीडी तो चक्रीय चतुर्भुज है, वो कह रहे हैं कि एबीसीडी के सभी चारों कोणों का अर्धक करो, अर्धकों को बढ़ाओ, बढ़ाओगे तो आपसे प्रतिच्छेद करेंगे, प्रतिच्छेद करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा एक चतुर्भुज वापस होगा, उसको नाम दिया मैंने पी क्यू आर एस। वो कह रहा है कि सिद्ध करके दिखाओ ये भी क्या होता है एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। दिया क्या दिया कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, जिसके कोणों के अर्धक को से प्राप्त चतुर्भुज पी क्यू आर एस, ठीक है। फिर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना में कि पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, ये सिद्ध करके दिखाना है, रचना युद्ध नहीं है, सिद्ध बात करते हैं ऊपर। हम पहले पढ़ चुके हैं बेस कोण, बेस कोण की बात है करते हैं। देखो इस वाले त्रिभुज की बात करते हैं कि त्रिभुज
बी सी आर कि कौन, इसको नाम देते हैं, चलो इनको नाम देता हूं मैं एक नंबर, क्या दे दिया एक नंबर दे दिया। तो कौन एक होगा किसके बराबर होगा देखो कि कौन इसका और इसका क्या होने वाला है योग होने वाला है, इसका और इसका क्या होने वाला है योग होने वाला है। आप क्या लिख सकते हो कि कौन आर सी बी और कौन सा कौन आर बी सी, कारण क्या लिखोगे भाई स्कॉन भाई स्कॉन, सही है। यानी कि देखो ध्यान से बता रहा हूं ये ग्रीस कौन है, इसका योग क्या होगा कि सात वाले को छोड़ के बाकी दोनों कौनों का योग होगा। अब ये कौन और ये कौन, ये कौन तो क्या है सी का अर्धक है और ये कौन क्या है बी का अर्धक है। तो आप क्या लिख सकते हो कौन एक बराबर कौन आर सी बी, क्या लिख सकते हो कौन सी बटा में दो और कौन है बी बटा में क्या है दो लिख सकते हो। कारण क्या लिखोगे यानी कि आप लिख सकते हो कि सी आर और सी क्यू कौन सी व कौन बी का अर्धक, यानी कि सी आर सी बी में यहां पर क्या लिखा सी, उसके बाद लिख देंगे बी क्यू, बी क्यू यानी क्या करते हैं दोनों कोणों का अर्धक। सवाल में क्या दिया हुआ ये तुम्हारी क्या इक्वेशन नंबर एक हो। इसी प्रकार अब इसके सामने ना कौन का है दो नाम दिया, मैं क्या कर रहा हूं कि अगर मैं यही सिद्ध कर देता हूं कि पी क्यू आर के समूह कोणों का योग बनाया एक्स वाई सी के लिए तो हो जाएगा आसानी से कि कह सकते हैं कि पी क्यू आर एक चक्रीय चतुर्भुज है। एक के लिए आप बात करते हैं दो, अब दो के लिए कौन से होंगे हमारे पास बेस कोण युग्म ये और ये वाला है, इसीलिए दिया इसी प्रकार कोण दो बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास कि कोण सी सी के बाद ए बटा में दो और कोण डी बटा में दो, ये प्रश्न नंबर क्या हो गया हमारे पास दो। तो इन दोनों का योग होने वाला है, ये क्या है डी का आधा है और ये क्या है ए का आधा है। मैंने इस प्रकार लिखते हुए जो तरीका यहां लगा है वही चीज यहां पर होने वाली है। अब देखो बाई इक्वेशन फर्स्ट प्लस ए सेकंड, अब जो होते हैं तो कोण ए प्लस कोण दो, कोण ए प्लस कोण है दो जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कोण सी बटा में दो कोण बी बटा में दो और कोण ए बटा में दो और कोण है डी बटा में दो। अब ये हमारे पास कौन कौन सा है आर है और ये कोण हमारे पास कौन सा है पी है, साथ नीचे कौन क्या आया दो, तो पर क्या आया कौन ए आया कौन बी आया कौन सी आया और कौन है पी बराबर। अब देखिए चारों कौन है, ये क्या है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री बटा में दो, वो कारण लिख देना है बिना चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो कोण आर और कोण है पी बराबर कितना प्राप्त हो गया 180 डिग्री। इसी प्रकार क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास इसी प्रकार कि कोण क्यू प्लस कोण एस का मान भी कितना होगा 80 डिग्री, अर्थात P Q R S A क्या होगा चक्रीय चतुर्भुज होगा क्योंकि इसके समूह कोणों का योग कितना हो रहा है 180 डिग्री हो रहा है।